खिलखिलाती हंसी, गोरा रंग और चेहरे पर एक अलग ही चमक। बॉलीवुड की ये एक्टर हैं कपूर खानदान की लाडली करिश्मा कपूर। दोस्तों, आज के इस सफर में हम जानेंगे बॉलीवुड की सुपरहिट अदाकारा कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर की दर्दनाक शादी की आप बीती, उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे सच जिनसे शायद आप अवगत ना हों। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि एक टाइम था जब अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर एक दूसरे से शादी कर रहे थे, और तो और इन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन सच ही कहा जाता है कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं, और ऐसा ही हुआ। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अभिषेक करिश्मा का ये रिश्ता टूट गया। इसके बाद करिश्मा कपूर की लाइफ में बिजनेसमैन संजय कपूर आए। इसके बाद करिश्मा ने बिजनेसमैन संजय कपूर से साल 2003 में शादी कर ली। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, मगर ये शादी ज़्यादा दिन तक टिक ना सकी और साल 2012 में इन दोनों ने तलाक ले लिया। करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों को लेकर अलग हो गईं। मगर दोस्तों, आपको ये नहीं पता होगा कि ये शादी करिश्मा कपूर के लिए जी का जंजाल बन गई थी। करिश्मा कपूर अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जी हाँ, क्योंकि हाल ही में करिश्मा कपूर ने खुद सालों बाद संजय कपूर के साथ की शादी के कुछ दर्दनाक खुलासे किए हैं। दरअसल उन्होंने अपनी शादी और पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि किस तरह का व्यवहार किया करते थे उनके एक्स हस्बैंड उनके साथ, आखिर क्यों लिया उन्होंने संजय कपूर से तलाक। तो दोस्तों, करिश्मा कपूर ने दावा किया है कि उनके एक्स हस्बैंड संजय कपूर के दोस्त ने हनीमून पर ही करिश्मा कपूर की बोली लगाई थी। जी हाँ, करिश्मा कपूर ने कहा है कि ये बात वैसे विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन इसी के बाद से ना इन दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए थे। करिश्मा कपूर ने ससुराल वालों के प्रति कुछ चौंकाने वाले भी खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाए कि उनकी प्रेगनेंसी के दौरान टॉर्चर भी किया गया था, और तो और उस वक्त उनके पति और सास ने उनके साथ मार पिटाई भी की। करिश्मा कपूर के मुताबिक संजय कपूर का रिलेशन उनकी फर्स्ट वाइफ के साथ भी चल रहा था। जब ये दोनों तलाक के बाद अलग हो गए, तो उसके बाद संजय कपूर ने तीसरी शादी प्रिया सचदेव से कर ली। वैसे करिश्मा कपूर और संजय कपूर बेशक दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन दोनों के दो बच्चे हैं, समायरा और कियान कपूर। दोस्तों, एक और खास बात, करिश्मा कपूर की बेटी समायरा ने भी शॉर्ट फिल्म से एक्टिंग जगत में डेब्यू किया है। वेल, यही रीजन भी है कि करिश्मा कपूर ने अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फोकस नहीं किया। मगर फाइनली करिश्मा कपूर ने हाल ही में डिजिटल डेब्यू किया है, और उन्होंने मेंटल हुड वेब सीरीज से इस दिशा में अपने करियर की नई शुरुआत भी की है।